हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए आपके लिए एक्सक्लूसिव व्लॉग, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं इंडिया के बहुत सारे लोगों की फेवरेट कुजीन, जो है समोसे। कुजीन तो नहीं, डिश है मतलब। एंड ये जो है, आज हमने एक ऐसी शॉप से मंगाया है जहाँ वेराइटी ऑफ समोसे मिलते हैं। आपने वैसे जनरली पनीर वाला समोसा एंड मैक्सिमम पनीर वाला खाया होगा, वैसे आलू मटर का खाया होगा, बट आज हमारे पास है 12 तरह के अलग अलग समोसे। तो हमने डिसाइड करा है कि वीडियो लंबी नॉइस ले कि 6 समोसे सचिन ट्राई करेगा और 6 मैं। और ये शॉप जो है सिचुएटेड है मालवे नगर में, जिसका नाम है भानु फूड आउटलेट, जो कि लोकेटेड है नियर गोल चक्कर मालवे नगर। एंड मैंने इसे जोमेटो से मंगाया है। तो मैं आपको बता दूं हमारे पास कौन कौन से समोसे आए हैं। हमारे पास आए हैं मलाई चाप समोसा, पास्ता मलाई समोसा, चाउमिन समोसा, मैक्रोनी समोसा, पिज्जा समोसा, तंदूरी चाप समोसा एंड पिज्जा स्वीट कॉर्न समोसा, प्याज पनीर समोसा, अफगानी पनीर समोसा, तंदूरी पनीर समोसा, मलाई पनीर एंड आलू मटर पनीर समोसा। तो ये हमारे पास टोटल 12 तरीके के समोसे हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हमें इसके साथ एक रेड सॉस मिली है एंड एक ग्रीन सॉस एज यूजुअल। बट एक इसका समोसा कितना बड़ा है सचिन, आप बताओ। एक समोसा 2.5 समोसे के बराबर है। तो मतलब आप समझो इसकी स्टफिंग कितनी हुई है। मतलब मुझे देख देख के डर लग रहा है कि हमने 2 बंदों के लिए 12 समोसे मंगा लिए, अब खत्म कैसे होंगे। तो देखते हैं कैसे कहेंगे इसे। चलो आप देखो और हम टेस्ट करके इसके रिव्यू देते हैं। पहले रिव्यू मैं दूंगा 6 का एंड 6 का फिर सचिन देगा। जिसके पास भी जो आया हम बता देंगे। तो आपको हमने बता दिया और इसकी लिस्ट जो हमने मंगाया आपको रेट एंड वगैरह जो उसके जोमेटो में अवेलेबल है वो सब इसमें डाल देंगे हम। तो आप देख के बताइए कैसा आपको लगा इसका रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गई है मेरी प्लेट, जिसमें मेरे पास है 6 समोसे मेरे पास एंड 6 सचिन के पास। तो चले पहला मैंने समोसा उठा लिया, अब इसे रिव्यू करते हैं और देखते हैं ये कौन सा है। मतलब इसकी मैं तो देख के हिल रहा हूँ कितनी अच्छी इसकी हुआ है। ये है स्वीट कॉर्न समोसा एंड इसके अंदर देखो कॉर्न वगैरह जैसा देख सकते हैं। इसको ट्राई करते हैं। ये स्वीट कॉर्न नहीं है एक्चुअली, ये पिज्जा समोसा है। इसके अंदर चीज की फ्रेगनेंस भी आ रही है। ट्राई करते हैं। मुझे इतने अच्छे समोसे की उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा ओके टाइप से होगा, फ्लेवर्स हैं, कॉम्प्रोमाइज होगा क्वालिटी में, बट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में। ये सही में बहुत अच्छा है, अनबायस्ड रिव्यू, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे सही में इतनी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब चलते हम दूसरे की तरफ। ये देख रहे कितना क्रिस्पी है ये, मतलब टूटा भी नहीं जा रहा, ये इतना क्रिस्पी है। ओए बोल रहे, ये है अब ये चाप तंदूरी चाप समोसा है। खा के एक बार बताता हूँ। फाइनली थोड़ा स्पाइसी है, टैंगी है। क्वालिटी की बात करें तो मतलब चाप समोसा एक अलग ही हमारे हिसाब से है। प्याज इसके अंदर से अच्छे से कुक्ड है। ये देखिए अंदर पेपर वगैरह अच्छे से यूज हुई है। और मतलब चाप जो है ना परफेक्टली कुक कह सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि जो चाप समोसा होगा उसके अंदर थोड़ा रबर टाइप का हो जाएगा, कि फ्राई करने के बाद एक बॉल के अंदर एक तरीके से मुझे लगा था कि हो जाएगा थोड़ा टाइट वगैरह रबर टाइप का, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये भी हम एक ही खा के ना प्लेट में रखने जा रहे हैं कि हम बाद में इसको खाएंगे। अब हम ट्राई करते हैं अपना थर्ड वन। थोड़ा सॉगी हो जाएगा होना, पनीर है एंड बहुत बड़े बड़े पीस है पनीर के। ये तंदूरी पनीर है बेसिकली। ये ऐसा है जैसे शाही पनीर की ग्रेवी होती है, उसको बना के हमने मैदे के अंदर का डाल के उसको फ्राई कर दिया है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, मतलब इसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं करते। आप पनीर का एक बार पीस देख सकते हैं, इसमें शिमला मिर्च पनीर वगैरह सब अच्छे से स्टफिंग हो रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी है। मैंने ये दोपहर के अराउंड 2:30 ऑर्डर करा था एंड अब 5:30 हो गए हैं। इतने टाइम में भी मतलब क्रिस्पी आए अभी भी एंड मैंने इसको बाहर रखा था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है। ये रेड कलर का अंदर से निकला, ये भी पनीर समोसा है।
एंड इसको ट्राई करते हैं। हमें पनीर कौन सा है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कौन कौन से हमने ऑर्डर करे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा फोर्थ नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला कौन सा समोसा है, आपको क्या लगता है। इसके अंदर जो इसका मैं टेस्ट समझ लिया, पिज्जा पास्ता सॉस होती है ना जो, वो लगाई गई है इसके अंदर, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है इसके अंदर भी और खाने में भी, मतलब बहुत ही टेस्टी है ये। एंड स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर के जो प्याज एंड वेजिटेबल जो इसके अंदर चॉप करके डाले हुए हैं वो एकदम परफेक्टली कुक्ड है, मतलब वो कच्चापन नहीं आ रहा। थोड़े हाथ वगैरह ऐसे हो गए होंगे, बट रिव्यू तो आप लोगों के लिए करना ही है। तो अभी हमारा है फिफ्थ वन, ये क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं इसकी, ये देखिए कितने टाइट हैं अभी भी ये, तो इसको भी तोड़ते हैं। ये है हमारा मैक्रोनी समोसा, ये देखिए भरी हुई है स्टफिंग ओवरलोडेड है, मतलब इसके साथ एक रेड सॉस एंड एक क्रीम सॉस भी दी हुई है, बट उसकी कोई नीड ही नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि इनका टेस्ट ही इतना एक्सक्लूसिव है कि मटर पनीर समोसे के साथ हमें जो मटर आलू समोसे के साथ हमें लगता है कि भाई हम सॉस लें, उसके हम टेस्ट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं सॉस लगा के। तो हम अब मैक्रोनी समोसा जो हमने भी सुना है कि एकदम यूनिक है उसको ट्राई करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैक्रोनी बहुत टेस्टी है, परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस है उसके अंदर, मतलब इस जैसा मैंने कुछ अभी तक ट्राई नहीं करा अपने यूट्यूब करियर में, तो नहीं मतलब वैसे भी अपने लाइफ में ट्राई नहीं करा, मैं यूट्यूब के अलावा भी बहुत कुछ ट्राई करता हूँ अलग से, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं वीडियो में डालता हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव है। अब सचिन इसकी आप स्टफिंग दिखाएंगे तो ये देखिए स्टफिंग गिर रही है इसकी, स्टफिंग नीचे इतनी इसके अंदर लोडेड स्टफिंग है मैक्रोनी की, मतलब अब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं रहेगा एक समोसे को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। इसके हम लोकेशन एंड जोमैटो का लिंक डाल देंगे। ओए व्हाइट सॉस पास्ता पिज्जा, पिज्जा बोल रहा हूँ मैं, समोसा एंड ये देखिए व्हाइट सॉस पास्ता अंदर, ऐसा फॉर श्योर किसी ने ट्राई नहीं करे होंगे अब तक इनके सारे, अभी भी सारे नहीं है, इनके पास अराउंड 18 तरह के समोसे हैं, जो भी आप स्टॉक में थे मैंने सारे ऑर्डर कर दिए। ये व्हाइट सॉस खा के देखते हैं कैसा है फिर बताते हैं। पहले पास्ता यूज हुआ है, अभी से दिख रहा है बॉइल्ड है बट मेल्ट नहीं हुआ। ये फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी आ रही है, आई एम श्योर आप स्मेल नहीं कर सकते बट मैं आपको बता सकता हूँ, एज आई सेड मुझे चीज बहुत पसंद है एंड मुझे पास्ता में चॉइस मिले तो व्हाइट सॉस ही खाता हूँ मैं, एंड इसकी जो व्हाइट सॉस बनी है परफेक्टली कुक्ड है, व्हाइट सॉस बनती है मैदे और आपके बटर से है, तो मतलब इन्होंने कोई जैसे कोई मैदा लोड़ा डाल जाता है बटर लोड़ा डाल जाता है एकदम परफेक्टली कुक है, मतलब मुझे लग रहा है कहीं मैं इटालियन से रेस्टोरेंट से मैंने पास्ता मंगा के एक समोसे के रेस्टोरेंट में दिया, उन्होंने समोसा इसका बना के दिया, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि एक शॉप में इतने तरह की वैरायटी मिलेंगे, मतलब इनके पास कितने कितने तरह के शेफ्स होंगे, मैं तो ये चीज सोच रहा हूँ। ओवरऑल 6 में से मुझे इनके सारे समोसे इतने अच्छे लगे हैं, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज कभी ट्राई नहीं करी। अब चले देखते हैं बाकी जो 6 समोसे हैं हमारे सचिन के पास उसको कैसे लगते हैं और फिर वो बताता है खा के इसको कैसे लगे। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया समोसा, देखता हूँ मैं तोड़ के। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया है अफगानी चाप समोसा, अब मैं इसे ट्राई करता हूँ और बताता हूँ आपको टेस्ट। बहुत यूनिक टेस्ट है इसका, मस्त टेस्ट है, मजा आ गया, इसे मैं साइड रख लेता हूँ। तो चलिए मैं दूसरा समोसा लेता हूँ और इसे देखता हूँ, बाकी आप क्रंची देख सकते हैं कितना है, ये देख सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया पनीर अफगानी समोसा, इसे भी ट्राई करता हूँ। आपको मैं स्टफिंग दिखाऊंगा, इसकी स्टफिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगी स्टफिंग। ये रहा हमारा पनीर, ये देख सकते हो, और ये प्याज बिल्कुल
प्रॉपर कुकड है और इसका टेस्ट, इसमें चीज का टेस्ट आ रहा है और प्याज का टेस्ट आ रहा है क्योंकि इसमें ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। तो बाकी ओवरऑल बताऊँ टेस्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है इसका टेस्ट, मुझे अच्छा लगा। बाकी थर्ड समोसे की तरफ चलते हैं और इसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा है चाउमीन समोसा। ये कुछ यूनिक है, चाउमीन समोसे तो खाए हैं मैंने पर इसे ट्राई करके देखते हैं। मैंने टू बी ऑनेस्ट चाउमीन समोसा आज से पहले कभी ट्राई नहीं करा, आज मैं करूँगा वीडियो के बाद ट्राई। एंड सचिन नेगस का रिव्यू क्योंकि उसने पहले खा चुका है चाउमीन समोसा भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फोर्थ समोसे की तरफ चलते हैं और इसमें दिखाता हूँ आपको क्या है। ये हमारे पास है कौन सा समोसा है, ये है हमारे पास मलाई पनीर समोसा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब इसे ट्राई करते हैं, इसे यहाँ साइड रख देते हैं ताकि यहाँ पे वो ना हो। मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मैं तो मलाई खाता नहीं, सच्ची नहीं खाता, अच्छा इसी के पास आया। और हमारे फिर समोसे की तरफ चलते हैं, इसका देखते हैं। ये आया हमारे पास पिज्जा समोसा, मेरा फिर शायद कॉर्न समोसा होगा। हाँ ये पिज्जा समोसा दिख रहा है, बट कॉर्न समोसा भी काफी अच्छा था। ये पिज्जा समोसा है क्योंकि इसमें पिज्जा के फ्लेवर्स बहुत ज्यादा अच्छे से आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्न डाला हुआ है और प्याज डले हुए हैं, मटर डाला हुआ है। अब ये बचा है हमारा लास्ट समोसा, हमारा लास्ट समोसा एक तरीके से। हाँ ये शायद नॉर्मल मटर पनीर समोसा है, मटर आलू। हाँ मटर आलू पनीर समोसा जो बहुत ही बेसिक समोसा है, हर शॉप पे जो आपको मिल जाता है। इस शॉप का हम बताते हैं ये नॉर्मल समोसा भी कैसा है, तो साइज तो आप देख के समझ ही गए होंगे कैसा है ये। नॉर्मल समोसा भी इनका बहुत अच्छा है, बताऊँ तो सारे समोसे बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो अभी सीधा रेटिंग में पहुंच जाऊंगा बिना डिस्कस करे, सीधा ही बता दे सचिन जी कितनी रेटिंग है आपकी 10 में से। 10 out of 9.5। सेम हेयर, मेरी भी 10 out of 9.5 की रेटिंग है। और देखिए हमारी प्लेट्स कैसे खत्म होने को आ गई हैं। बिहाइंड द सीन्स सचिन की वीडियो बनाते बनाते मैं ही सारे समोसे खा गया एंड अब कुछ नहीं बचे। और ये सॉस देखो इनकी ऐसे कैसे पड़ी, क्योंकि इनके इतने फ्लेवर इतने अच्छे हैं, हमें सॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको ये समोसे वाली वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।